सेवा में कदम रखना आसान नहीं होता। कदम रखना आसान है, जब खड़े रहना उसमें आसान नहीं होता। पर धन्य जो सेवा में कदम रख के अपनी अपनी ड्यूटी में, डिपार्टमेंट में खड़े रहते हैं। बाइबल में कहा बहुत धन्य है वे लोग जो मेरे लिए जीते, मेरी सेवा करते हैं। कितने अच्छे पांव उसके जो अच्छी बातों का सुसमाचार ले जाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का प्रीच का अगर कोई लक्ष्य है, वो प्रेम की बात आप सीख चुके हैं, पर अगला लक्ष्य जो इस प्रीच का है कि आपके बीच में से परमेश्वर अब्राहम की तरह धार्मिकता में चलने वाले और परमेश्वर प्रेम के कारण परमेश्वर की इच्छा के लिए काम करने वाले परमेश्वर को चाहिए, प्रार्थना करने वाले योद्धा चाहिए। ये मैं केवल आपको नहीं प्रीच कर रहा हूं, मैं उन सभी जो संडे वाले लोग अभी देख रहे हैं उनको प्रीच कर रहा हूं, जो पूरे भारत के जो लोग लगातार इस शिक्षाओं को सुन रहे हैं। वो सोचे अब मैं मसीह में और क्या करूं, प्रार्थना करता रहता हूं, बाइबल पढ़ता रहता हूं, रोजे रखता रहता हूं, इससे और आगे मैं क्या करूं, सेवा करूं। क्योंकि लोग मसा से बढ़ते रहते हैं, उस मसा को यूज नहीं कहीं करते। हालेलुया, अगर वही आपने रोजे रखे, प्रेयर किए, सेवाओं में आ पा रहे, आपका मसा यूज हो रहा है और खुदा फिर आपको और देता है। लेकिन जो यूज करता है उसका मसा और बढ़ता है, जो अपने आप पास रख छोड़ता है उससे वो भी ले लिया जाता है जो उसे दिया गया। तो आप कहते हैं मेरी ऐसी बुलाहट है, ऐसी बुलाहट है, अपनी बुलाहट के माहौल में क्या तुम जी रहे? बहुत सारी लड़कियों को कहते देखा, मेरी सेवकाई की बुलाहट है, प्रभु ने मुझे सेवा के लिए चुना है। मुझे ऐसा महसूस होता है जब मैं स्वप्न देखती हूँ, प्रार्थना में जाती हूँ कि मैं लोगों पर हाथ रख रही हूँ। ओके, तो क्या आप ऐसी लीडरशिप में हैं, ऐसी चर्च में, सेवकाई में हैं, जिसमें आपकी बुलाहट के लिए आपको तैयार किया जा सके, जिसमें आप अपनी बुलाहट के लिए तैयार हो? तो उसके बीच आपका कोई भी लीडर है, आपका वॉलंटियर में लीडर है, आपका मीडिया में लीडर है, आपका कॉल सेंटर में लीडर है, आपका आपका किसी भी डिपार्टमेंट में, आपका पेपर वर्क में, आपका टेस्टमनी में, आपका किसी भी टीम में कोई भी लीडर है, तो अगर आपको आपको चलना है, अगर आपने ब्लेसिंग लेनी है, तो लिखा प्रेम के कारण एक दूसरे के अधीन रहो। आप अपने लीडर के प्रति हमेशा लव रखो, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल लीडर है, चाहे वो आपके काम पर आपका लीडर है, लव रखो, प्रेम करो। प्रेम के कारण एक दूसरे के अधीन रहो। आप डीप बातें कर सकते हैं प्रभु के साथ अगर आप प्रेम में और आज्ञाकारिता और धार्मिकता में चल रहे हैं। एक अद्भुत प्रेजेंस आज तैयार है उस अनुग्रह के सिंहासन के नीचे आपको ब्लेस करने के लिए। अपने घुटनों पे आओ और कहो, प्रभु परमेश्वर, जैसे ये वचन हम सुन रहे हैं, हमारे हृदय में ये अच्छी जमीन बन के फल लेके आए। बोलो, खुदावन ये वचन मेरे लिए है, मैं जानता हूं, मुझे बढ़ाने के लिए है, मैं जानता हूं, मुझे आशीषित करें, मुझे बढ़ाएं, मुझे ब्लेस करें, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। एक वचन आप स्क्रीन पर पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 32 आयत, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु वह अपना वेद सीधे लोगों पर खोलता है। जब इसे पढ़ते हैं तो कुछ कुछ होता है स्पिरिट में कि परमेश्वर जब कैसे लोगों को बढ़ाना चाहता है, कैसे लोगों को परमेश्वर ब्लेस करता है, यूज करता है, बढ़ाता है, कैसे लोग अभिषेक को ले पाते हैं। याद रखो, अब अनॉइंटिंग जो होती है, एक आप परमेश्वर के साथ रहकर अनॉइंटिंग को प्राप्त करते हैं धार्मिकता में, आत्मिक क्रियाओं में, प्रार्थनाओं में बढ़ के, वो तरीके आपको कई बहुत सारे मालूम है, नहीं है तो कुछ आप सीख लेंगे। दूसरे, आप एक अभिषेक के ऊपर, जिसके ऊपर खुदा ने अभिषेक रखा हुआ है, उसकी अगुवाही में चल के, उसके अधीन होके, उसके साथ उस अनॉइंटिंग के नीचे होके, आज्ञाकारिता के द्वारा, उस अनॉइंटिंग के नीचे नम्रता के द्वारा, प्रेम के द्वारा, उस अनॉइंटिंग के नीचे अच्छी तरह से चल के आप अभिषेक को रिसीव करते हैं। याद रखो, जब एक नबी के द्वारा एक छड़ी को अनॉइंट करके दे दिया गया था, जाके मुर्दे पर लगा दे, वो जीवित हो जाएगा, काम हो जाएगा, पर जब वो कॉन्टैक्ट पॉइंट वाला व्यक्ति था, वचन में पावर, वचन में कमी नहीं थी, अभिषेक में कमी नहीं थी, पर जिसने वो कॉन्टैक्ट पॉइंट के नीचे आना था वो काम नहीं कर सकता था। जिस तरह काफी समय से प्रार्थना योद्धा को आपके लिए तैयार किया गया, सालों तैयार किया गया, सालों 24 घंटे चर्च में प्रार्थना योद्धाएं टीम चलाई गई, और अब जाके उन प्रार्थना योद्धाओं को आपके लिए ऑनलाइन होके अगुवाही करने के लिए उन्हें खड़ा किया गया। हालेलुया, क्योंकि जब तक एक कॉन्टैक्ट पॉइंट के नीचे, कॉन्टैक्ट के नीचे आता है, अगर वो धार्मिकता में ना चले, तो ये मैसेज आज जो आत्मा में बुजुर्ग हैं, जो आत्मा में चोर है, उन लोगों की समझ में आएगा।
तो जो लोग पूरे स्थिर है उसमें, जो लोग धार्मिकता में चल रहे हैं, प्रेयर में, होलीनेस में चल रहे हैं, उसके कारण वो अभिषेक आगे बढ़ता है। उसने जाके छड़ी को लगाया, जो आज्ञा दी गई थी उसके अनुसार नहीं किया। इसलिए सबसे पहला पॉइंट, आप जो अपने अगुए के साथ जब आप आज्ञाकारिता में चलते हैं तो आप अनॉइंटिंग को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। लिखे अपने अगुए के अधीन रहो। परमेश्वर देखता है आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, एक वचनों के साथ मैं आपको परमेश्वर के साथ बताऊंगा। परमेश्वर देखता है कि आप अपने अगुए के साथ आज्ञाकारिता में चल रहे हो, आप कैसे चल रहे हो। लिखे अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं से लिखे प्रेम के कारण उनके एक दूसरे के अधीन रहो। बाइबल लिखे प्रेम के कारण, आज एक वेद की रीति पर आप इसे सीखेंगे। कई लोग सोचते हैं किसी के अधीन रहना गुलाम बनना है, और वो ज्यादातर अपने स्टेटस पर, अपनी लाइफ में, अपनी प्रतिदिन के जीवन में, या कहीं फेसबुक में डाल के, या लोगों को अपनी काउंसलिंग में यूज करते हैं। बाइबल में लिखा मनुष्यों के गुलाम ना बनो, मनुष्यों के अधीन ना रहो। तो जो शारीरिकता में जो लोग इस वचन को लेते हैं वो किस रीति से लेते हैं, पर असल में जो लोग मनुष्यों के अधीन है वो किस रूप से है। लिखा है बाइबल में, अगर ये एक लिखा है, एक और प्रभु कहता है कि मनुष्यों के अधीन ना रहो, तो एक जगह परमेश्वर कहता है अपने अगुओं के अधीन रहो, अपने माता पिता के अधीन रहो, अपने अगुओं के अधीन रहो, एक दूसरे के अधीन रहो। अब आप कहते माता पिता में चल जाएगा, उसने कहा माता पिता के अधीन रहो, आप कहते वो तो बनता है ना, लेकिन अगुए के अधीन रहो। हाँ जी, वो भी बनता है ना, वो तो अगुआ है हमारा, स्पिरिचुअल लीडर है हमारा, आत्मा का अगुआ, जैसे आत्मा में अगुवाई करने वाला, जैसे हमारा स्वर्गीय पिता है, हम सबका पिता है, ऐसे हमें पृथ्वी पर हमें अगुए दिए गए हैं जो हमें आत्मिक शिक्षा सिखाएं, क्योंकि शारीरिक पिता शारीरिक की शिक्षा दे सकता है, शारीरिक शिक्षा दे सकता है, पर आत्मिक पिता आत्मिक शिक्षा देगा। जैसे स्कूल में एक पाठ होता था शारीरिक शिक्षा की किताब, शारीरिक शिक्षा, तो शारीरिक जो शरीर के बारे में जो मैडम होती थी, शरीर के बारे में सिखाती थी, पर वो मैडम आत्मा के बारे में नहीं सिखा सकती थी कि हमारे पर वो ये सकते शरीर के ये अंग है, वो ये नहीं सकते थे कि शरीर प्राण आत्मा है, आत्मा के बारे में वो नहीं बता सकती थी। तो इसलिए आत्मिक अगुआ लिखे उसके अधीन रहो। स्कूल में तुम्हारे टीचर है तो उस शरीर मैडम के अधीन रहो। और लिखे ए प्रेम के कारण एक दूसरे के भी अधीन रहो। किसके कारण? प्रेम के कारण। अब हर एक हिस्से में तो बाइबल अधीन रहने को बोल रही, तो फिर वो व्यक्ति किस व्यक्ति हिस्से को बोल रहा है कि मनुष्यों के अधीन ना रहो? वो लोग उन लोगों के अधीन ना रहने को बोल रहा है जो मनुष्य चरित्र में नहीं है, जो लीडर स्पिरिचुअल ना हो, जो लीडर पाप में हो, जो लीडर व्यभिचार में हो, जो लीडर नीच कमाई के लिए भाग रहा हो, जो लीडर स्वार्थी हो, जो लीडर सही ना हो, जो लीडर आपको परमेश्वर के ही विरोध में परमेश्वर का इनकार करने को बोले, वो लोग चाहे वो मनुष्य बाप या माता पिता भी क्यों ना हो, जो आपको परमेश्वर का इनकार करने के लिए बोले, तो जो लोग परमेश्वर के फलों के साथ आपके सामने ना आए, लिखे उनके अधीन ना रहो। जो परमेश्वर के फलों के द्वारा आपके सामने ना आए, जो परमेश्वर के फलों के बीच में रह के आपकी अगुवाही ना करें, तो उनके अधीन ना रहो। अगर आप कहते हैं अगर कोई अगुआ ताड़ना देता है, झिड़कता है, तो वो परमेश्वर का फल ही है कि पिता जिसे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। अगर वो अगुआ आपसे प्रेम करता है तो वो आपको ताड़ना देगा, डांटेगा, ताकि आप सुधर जाओ। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि उसने कहा परमेश्वर के प्रेम के कारण एक दूसरे के अधीन रहो। प्रेम से मतलब क्या है? अभी प्रेम से मतलब कि आप जिस तरह अपने माता पिता को प्रेम करते हैं और उनके अधीन रहते हैं, इसलिए अगर आप अपने अगुए को भी प्रेम करते हैं इसलिए आप उनके अधीन चलते हैं। हालेलुया। समझ पाए? अगर किसी को जवाब देना हो तो आपको समझ हो जाए, आत्मिक किसी शारीरिक व्यक्ति को ये जवाब देना हो कि मैं अपने, कोई बोले पास्टर तू बड़ा पास्टर करता है, अगुआ दे बंदियां दे अधीन नहीं होता, लिखिया मनुखा दे गुलाम ना बनो, तो आप जवाब दें मैं उनका गुलाम नहीं, मैं उनसे प्रेम करता हूं, प्रेम के कारण मैं उनकी आज्ञा मानता हूं। क्या मैं अपने पिता से प्रेम के कारण उसकी आज्ञा नहीं मानता, तो मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के प्रेम के कारण उसकी आज्ञा क्यों ना मानूं? मैं गुलामी के कारण नहीं मानता। क्या पिता की आज्ञा आप गुलामी के कारण मानते हैं? नो, ये अनॉइंटिंग के सीक्रेट है, क्योंकि कुछ शारीरिक लोगों को ऐसे ज्ञान के द्वारा अनॉइंटिंग से दूर कर दिया गया है, मीडिया में ऐसे ज्ञान के द्वारा,
और वो हमेशा बीमार रहेंगे, हमेशा सफल नहीं होंगे, हमेशा दुखों में रहेंगे। आप उनकी लाइफ को भी देखना जो ऐसे बोलते हैं, हमेशा आपको ज्यादा असरदार नहीं मिलेंगे, एक असरदार मसीह आप नहीं देखेंगे उन्हें। क्यों? क्योंकि वो अभिषेक को जब अपने शब्दों से कैंसिल कर देते, अभिषेक उनको नहीं मिलता। और अभिषेक, आपकी जो भी बुलाहट है उसमें बढ़ने के लिए आपको अभिषेक चाहिए। सेवादारों का झुंड है, मान लो आप कोई ना कोई आपके पास सेवा है, पर उसी सेवा में सफल होने के लिए, बढ़ने के लिए आपकी लाइफ में कितना अभिषेक है, आप उतना आगे जाएंगे। तो मान लो, लेकिन प्रेम के कारण, जैसे आप अपने माता पिता की आज्ञा क्या मानते, डर के मानते? नहीं, प्रेम के कारण। नहीं, कोई लड़का बोलता है, लड़की तू मुझे मिलने के लिए आ, नहीं मैं मिलने नहीं आ सकती क्योंकि मैं अपनी मम्मी पापा से प्रेम करती हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे ऐसा देखेंगे क्योंकि मेरी लड़की बाहर गई थी, हमारी लड़की को उनको पता चल गया, तो वो मेरा मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं उनके दिल दुखाऊंगी, तो मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती, इसलिए मैं तुझे अपने माता पिता की आज्ञा के खिलाफ मिलने नहीं आऊंगी, तो उससे बात नहीं कर सकती फोन पे। ये है प्रेम, समझ पा रहे? ये है प्रेम, क्योंकि आप अपने माता से प्रेम करते हैं, डांट के कारण नहीं, मुझे वो डांटेंगे। डांट के कारण जो बच्चे हैं वो हमेशा माता पिता के खिलाफ आपको नजर आएंगे, वो हमेशा उनका दिल दुखाएंगे, क्योंकि उन बच्चों के अंदर माता पिता के अंदर प्रेम नहीं। याद रखो, जो बच्चे अपने माता पिता के खिलाफ जाते हैं, उनकी आज्ञा के खिलाफ जाते हैं, फोन नहीं छोड़ते उनकी आज्ञा के खिलाफ, लड़कों से बात करती है लड़की, लड़के लड़कियों के पीछे रहते हैं, जो उनके खिलाफ जाते हैं, इसका मतलब उनसे प्रेम नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते, उनकी आज्ञा के खिलाफ जाते हैं। और जितना मर्जी वो डांटे, जितना मर्जी वो समझाएं, जितना मर्जी वो पीटें, वो फिर भी नहीं मानते, इसका मतलब प्रेम नहीं है। इसलिए बाइबल में कहा, प्रेम में रहो, फैमिलियों में आपस में प्रेम में रहो, क्योंकि तुम डांट के किसी को जीत नहीं सकते, ना ही तो किसी को गुलाम बना सकते हो। तुम प्रेम के कारण, जहां डांट है वहां डांट चाहिए, जहां प्रेम है वहां पर प्रेम चाहिए, इन्हें दोनों को मेंटेन करके ही तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम हमेशा एक ही तरीका यूज करोगे, डांट डांट डांट, और कभी प्रेम ना करोगे, तो हमारा, अगर किसी के लिए डांट है, झिड़का है, तो हमारा प्रेम उसके लिए ज्यादा होता है। अगर एक महीना प्रेम, तो उसके बाद जब प्रेम की और हम उन्हें प्रेम देते, अपना प्यार देते, लव देते, अपना उनकी लाइफ में उनकी उनको सपोर्ट करते, उन्हें ब्लेस करते, उनको आशीष करते, उनके साथ टाइम स्पेंड करते, तो वो प्रेम के कारण वो हमेशा रहते हैं, खड़े रहते वो लोग, वो टीम हमेशा उस प्रेम के कारण खड़ी रहती है। इसलिए का प्रेम के कारण एक दूसरे के अधीन रहो, याद रखो। इसलिए अगर तुम स्पिरिचुअल लीडर्स के लिए, आज मुझे प्रीच करने को प्रभु ने बोला, वर्ड दिया स्पिरिचुअल लीडर और सेवकों की मंडली, तो जिसको लेके मुझे आज प्रीच करना है, तो फलों में रहने वाला व्यक्ति जो खुद फलों में है वो ही परख सकता है, जो शरीर में वो हमेशा दूसरे व्यक्ति को शरीर में ही समझेगा, जो खुद फलों में नहीं है, याद रखो। और वो हमेशा शरीर का व्यक्ति फलों वाले व्यक्ति से अलग होता है, शैतान के द्वारा अलग किया जाता है उसे शरीर को बना के। तो सबसे पहले जो अधीनगी है वो प्रेम के कारण आप करते हो, कि आप अपने अगुए से प्रेम करते हैं। तो जब आप अगुए से लव करते हैं प्रेम के कारण, अब नए नए में देखें आप परमेश्वर की इससे डर क्या करते हैं। आप जितना मर्जी सोच लो, दुख का डर कभी एक व्यक्ति के अंदर नहीं आता आज नए अनुग्रह के समय में, कि मैं गलती करूंगा परमेश्वर मेरी टांग तोड़ देगा, मुझे अंधा कर देगा, मुझे बिस्तर पर एक महीने के लिए बीमार कर देगा। क्या आता है किसी मसीह के अंदर ऐसा डर? शायद जो आत्मा में नहीं होगा उसके अंदर आ सकता है, आता है ऐसा नहीं डर आता, पुराने नियम में ऐसा डर आता था उनके अंदर। तो परमेश्वर ने नए नियम में क्या किया, कि मेरे प्रेम के कारण तुम मेरे अधीन रहो। नहीं तो परमेश्वर किसी को अधीन नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर ने आदम हवा को भी अधीन ना रखा, उसने उन्हें च्वाइस दी, चुनाव दिया, भले को चुनना या बुरे को चुनना। परमेश्वर ने भी हमें अपने अधीन नहीं किया, आपको पता, अगर प्रभु हमें अधीन करे तो टोटल हमें चलाए, पर वो हमें अपने अधीन नहीं देखता, वो कहता प्रेम के कारण तुम मेरे अधीन रहो। तो जो व्यक्ति के परमेश्वर के अधीन आज्ञाकारिता में चलता है, वो अपने प्रेम का सबूत देता है, इस कारण वो अभिषेक किया जाता है व्यक्ति। हालेलुया, मैंने कहा अगर आप आत्मिक होगे आप समझ पाएंगे इस बात को, इस कारण आप अभिषेक किए जाते हैं, क्योंकि आप प्रेम के कारण परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं। आपका लॉस तो कोई नहीं, आप प्रेम के कारण प्रेयर कर रहे हैं, आप प्रेम के कारण रोजे रख रहे हैं, आप प्रेम के कारण किसी की मदद कर रहे हैं, आप प्रेम के कारण कुछ कर रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रेम के कारण रूहों को बचा रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम के कारण निकल के प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार के लिए जा रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रेम के कारण अपने आप के लिए मरते हैं, सेल्फ डेथ में जाते हैं, फास्टिंग में के बलिदान देते हैं, शरीर का अभिलाषाओं का बलिदान देते हैं, अपनी बुरी आदतों का बलिदान देते हैं, क्या? प्रेम के कारण। हालेलुया, परमेश्वर अपने प्रेम के कारण अपने इकलौता पुत्र दे दिया। तो आपको प्रेम के कारण इन दिनों में देना है, जितना बलिदान हो सकते हो
जितने समर्पणों में जा सकते, शुरुआत मैंने कर दी है, इस हफ्ता मैंने फास्टिंग अनाउंस कर दी है, अगला हफ्ता और डीप बना लेना, पर प्रेम के कारण कुर्बान होना, फिर तुझे उसका वो गुड फ्राइडे वाले दिन रियल लव महसूस होगा। जो कहते हैं नमे नमे, जब मसीह में आए थे यीशु की क्रूस की फिल्म देखते थे बड़ा रोना आता था, अब नहीं आता, अब नहीं कोई तरस आता, अब नहीं कोई बोझ आता किसी को सुसमाचार सुनाने का, अगर वो खत्म हो चुके सब कुछ, तो गुड फ्राइडे ईस्टर जो हमेशा, जब 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 हमने गुड फ्राइडे ईस्टर सभाओं को किया चर्च में, मैंने चर्च पर अनुग्रह देखा, ग्रेस देखा, और आज ही से वो अनुग्रह का शब्द मैं बोलना शुरू कर चुका हूं। हालेलुया, क्योंकि ग्रेस आती है अनुग्रह, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते जुड़ते हैं इन हफ्तों में। हालेलुया, उस दुख भरे हफ्ते में सोचो, अगर आप लिखे जब आप अपने आप के लिए मरते तो आपको दुख आता है, उस दुख भरे हफ्ते में जो आप जाए, आपको रोना तो नहीं है, पर उस दुख वाले हफ्ते में आपको याद करना है, उसने कहा मेरे स्मरण में ये किया करो। जब आप रियल प्रभु बोझ लेंगे, आप गुड फ्राइडे में आप चर्च में प्रभु बोझ लेंगे, तो आप वो एक टच वाला, आपको मनों को तैयार करके आना है, क्योंकि वो पूरे साल के लिए आपको नया करने वाला है। हालेलुया, पूरे साल के लिए ग्रेस आपके ऊपर देने वाला है गुड फ्राइडे में, आपकी मिनिस्ट्रियों पर, आप सेव कर, आप खुद देखेंगे ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर आपको अपने मनों को पूरा बलिदान करना है इन हफ्तों में। ये समर्पणों में जाने का हफ्ता है, समर्पणों में परमेश्वर के प्रेम के कारण आप परमेश्वर के अधीन रहे, उसकी आज्ञाओं को माने प्रेम के कारण। तो जब आप प्रेम के कारण कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैंने कोई मुझे नहीं देख रहा है पर मैं तुझसे प्रेम करता हूं खुदावन, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, नाराज ना करो, दुखी ना करो, तो मैं तुझे ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं परमेश्वर, सिर्फ प्रेम करने वाले लोग। तो आज भी परमेश्वर को प्रेम करने वाले धार्मिकता में खड़े लोग चाहिए, परमेश्वर प्रेम करने वाले। अगर मैं अब्राहम के बारे में पढूं तो उत्पत्ति की किताब में जब अब्राहम ने, परमेश्वर ने कहा मैं इन नगर का नाश करने जा रहा हूं, अब्राहम ने कहा अगर वहां पर 50 धर्मी मिले तो क्या फिर भी तू धर्मी के साथ, दुष्ट के साथ धर्मियों का नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा अगर 50 भी मिले तो मैं ना नाश करूंगा। उसने कहा अगर 50 में से 5 घट जाए तो फिर, तो कहता फिर भी मैं उनका नाश ना करूंगा। प्रभु एक और बार अगर 40 रह जाएं तो परमेश्वर कहता मैं फिर भी ना रहूंगा। अगर उस नगर में प्रभु 30 हो, प्रभु ने कहा फिर भी मैं नाश ना करूंगा। अगर प्रभु 10 धर्मी हो उस देश में, मैं फिर, लास्ट बार पूछता हूं 20 हो, लास्ट बार पूछता हूं, अगर 10 धर्मी हो प्रभु क्या फिर भी तू नाश करेगा? प्रभु अब्राहम ने जरूरत की इस तक हद तक प्रभु से बात करने की, क्यों? क्योंकि वो प्रेम और धार्मिकता में परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया, और उसने कहा प्रभु अगर 10 धर्मी मिले, लास्ट बार पूछता हूं प्रभु, बुरा ना माने तो प्रभु अगर 10 भी धर्मी मिले, प्रभु ने कहा 10 भी धर्मी मिले तो मैं उस नगर का नाश ना करूंगा। एक जगह परमेश्वर ने कहा मुझे उस पिंड के नगर के नाके में कोई ऐसा मनुष्य चाहिए जो उनके बीच में खड़ा हो ताकि मुझे उस देश का नाश ना करना पड़े, पर उसने कहा मुझे कोई ना मिला। आज भी परमेश्वर धर्मी लोगों को, प्रार्थना योद्धाओं को और उससे प्रेम करने वालों लोगों को, सेवकों की मंडली में आने वाले लोगों का और एक स्पिरिचुअल लीडर को चाहता है परमेश्वर। तो परमेश्वर आज भी विनती और प्रार्थना करने वाले लोगों को ढूंढ रहा है। अगर आप प्रार्थना योद्धाओं में आ सकते हैं तो आपको प्रार्थना योद्धाओं में आना है, जैसे अब्राहम ने धर्मी होके परमेश्वर के आगे विनती की, परमेश्वर के आगे उसने बातें की। हालेलुया, तो इसीलिए आपको भी परमेश्वर के सामने, याद रखो आपको एक आने वाले समय में, ये अब अप्रैल अब आने जा रहे हैं, बच्चे फ्री हो जाएंगे, सारे बच्चों के एग्जाम खत्म हो रहे हैं, 8 वाले फ्री होने जा रहे हैं, 10th वाले फ्री होने जा रहे हैं, प्लस 2 वाले शायद कईयों का प्रैक्टिकल बाकी है वो फ्री होने वाले हैं, तो अप्रैल तक ज़्यादातर सभी फ्री हो जाएंगे, नई क्लासों में जाएंगे, आपके बच्चे भी फ्री होंगे, जूथ भी जो जवान है प्लस 2 वाले वो भी फ्री होंगे। तो याद रखो ये इस आने वाले महीनों में, अप्रैल में इस गुड फ्राइडे ईस्टर के बाद जब आपके एग्जाम भी फ्री हो गए तो आपको सेवकों की मंडली में शामिल होना है। आने वाले समय में सेवकों की मंडली प्रार्थना सभाएं शुरू होंगी, जैसे ये मान लो जिसमें, दूसरा नाम मैं आपको बताता हूँ, सेवकों की मंडली जिसमें सब जिनके पास सेवा है कोई ना कोई वो ही लोग, ओके ये है हमारा प्रेयर वॉरियर्स का ग्रुप। तो ऐसे हमने फ्राइडे में उनको साथ लेकर, 3 बड़ी मीटिंग थी संडे में, अनॉइंटिंग है, ले हैंड मीटिंग थी वेडनेसडे, फिर भी लोग आए वहां पर, क्यों? क्योंकि ये लोग अपना मन दे रहे हैं, सोचो फिर भी आना, तीसरी मीटिंग में, हफ्ते में 3 मीटिंगों में चर्च में आना, ये क्या है? एक समर्पित,
ये क्या है? सेवा, सेवकों की मंडली। तो ये एक प्रार्थना करने वाली मंडली है, एक प्रार्थना करने वाला योद्धा का झुंड है जो लगातार प्रार्थना करने वाला है। अप्रैल में भी हम प्रार्थना करने वाले हैं, लगातार पूरे विश्व भर के लिए प्रार्थनाएं होने वाली है, उसमें उसके हिस्सों को भी छुएंगे। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो देशों को छूने वाले जरूरी है। तो आपको प्रार्थना योद्धाओं में मेरे साथ आना है, आपको इस सेवकाओं की मंडली में शामिल होना है। अगर किसके कारण? प्रेम के कारण, प्रेम के कारण। आप इसलिए प्रार्थना योद्धा में हैं क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हो, और प्रार्थना योद्धा प्रभु के बहुत करीब होता है। इससे मैंने प्रार्थना युंड शुरू किया था। हालेलुया, आप प्रभु के करीब रहने वाले लोग हैं, उसके मन के करीब रहने वाले, जैसे अब्राहम उससे बातें करता था। तो अगली बात, तो प्रार्थना योद्धा, आपको प्रार्थना योद्धा बनना बहुत जरूरी है, उसमें आना बहुत जरूरी है, सेवकों की मंडली में आना बहुत जरूरी है। तो आने वाले समय में जब ऐसी मीटिंग होगी जिसमें केवल जिनके पास सेवा है कोई ना कोई, उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना होगी। कई वक्त मैं उन लोगों को बुलाता हूं, तो कभी ये वॉलंटियर मीटिंग नहीं होती, याद रखो। मान लो कहते आज वॉलंटियर मीटिंग नहीं, मतलब सेवादानों की मीटिंग है, जितनों ने सेवा ली। कई बार उन्हें हम बुलाते हैं, बीते समय मैंने बर्थडे पर अपने बुलाए थे कि जितने सेवादार है वो 9 जून को आए, हम चर्च में प्रेयर करेंगे और आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, खाएंगे, आपको पार्टी देंगे। कौन लोग? मतलब सेवादार लोग अलग बुलाए गए, सिर्फ जिन्होंने सेवा ली है। तो उसमें सेवा में कौन आते हैं? तो आपको सेवकों की मंडली में होना चाहिए। याद रखो, सेवकों की मंडली नाम होगा उसका। तो जिसके पास कोई ना कोई सेवा है तो आप उसमें जरूर होने चाहिए। जब सेवकों की मंडली की मीटिंग हो, वो जो चर्च की मीटिंग होगी वो चर्च वाली मीटिंग होगी, सेवकों जो इस सेवकाई के साथ जुड़े हैं, इस सेवकाई में काम करते हैं। एक होगी पास्टर और लीडर कॉन्फ्रेंस जो आने वाले समय में। अगर आप स्पिरिचुअल लीडर्स, मैं आपको सेवकों की मंडली एक्सप्लेन करूंगा, पास्टर और लीडर कॉन्फ्रेंस एक्सप्लेन करता हूं, जिसमें पास्टर और लीडर, जिसमें मतलब पास्टर तो है ऑलरेडी जो सेवा करते हैं, लीडर्स कौन होते हैं उसमें? जब जहां जहां भी कभी कभी पास्टर और लीडर कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, उसमें बोला पास्टर और लीडर, मतलब पास्टर आ सकते हैं, जो पास्टर के साथ कुछ लीडर्स हैं, कोई पास्टर के साथ कोई खास उसका असिस्टेंट पास्टर है, कोई प्रेयर करने वाला योद्धा है, कोई इवेंजलिस्ट है, कोई पास्टर के साथ और हाथ काम में हाथ बटाने वाला, कोई उनका स्ट्रांग पिलर है, कोई उनका बुद्धि मैनेजमेंट करने वाला चर्च की व्यक्ति है। तो ऐसे लोग आए उस मीटिंग में, भारत भर में, विश्व भर में ये प्रार्थना सभाएं आने वाले सेशन में हम ये करने वाले हैं। तो आपको इसकी समझ होने पाए, इसका मतलब क्या होता है, आप में से और आपके बच्चों में से किसको ये जरूरी है, आपको पता हो इसके बारे में। हालेलुया। तो जिसमें लीडर्स होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स भी होते हैं और सेवा करने वाले लीडर्स भी होते हैं, सेवकों की मंडली। तो जिसमें लीडर्स होते हैं जो चर्च के कोई ना कोई कार्य में होते हैं, अब मैं सेवकों की मंडली और जो लीडर्स कौन होते हैं, कौन उस कैटेगरी में आते हैं, मैं आपको बताता हूं। तो जब मैं ऐसी सभा अनाउंस करूं तो वो लोगों ने अपना नाम लिखाना और आना है। वो रेगुलरी महीने साल में एक दो होया करेगी, लगभग मान लो साल में दो हो जाए करेंगी, तीन हो जाएगी, कितनी भी होगी। तो वो चर्च के सिर्फ सेवादारों के साथ ही मीटिंग होगी, जिसमें कोई नए लोग नहीं है, कोई हीलिंग डिलीवरेंस के लिए कोई प्रेयर नहीं है, कोई और कुछ पार्ट नहीं है, जिसमें केवल सेवकाई को बढ़ाने की बातें ही की जाएगी, आत्मिक बातें, प्रार्थना की बातें, जिसमें सिर्फ उस सेवकाई की जो आज इस सेवकाई का हिस्सा है, जिसमें सेवकाई के पार्टनर्स हैं, सभी प्रकार की सेवा करने वाली, जिसमें केवल वही बातें की जाएंगी, ताकि जो वो खास खास उनके लिए साल में एक दो सभाएं हो। तो जैसे मैं अनाउंस कर रहा हूं, वैसे पास्टर भी सीख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए अपनी सेवकाई के लिए, और इसलिए मैं उसे बोल रहा हूं। जब इनके बीच में प्रार्थना सभा होती है तो इनके बीच आग जलती है, फिर ये और अच्छा काम कर पाते हैं। जब उनके लिए स्पेशल आप प्रेयर करके उनके सामने एक मीटिंग करते हैं तो फिर ये सेवक हिलते हैं सारे चर्च के, जो सेवा करने वाले, फिर कलीसिया और उन्नति करती है। हालेलुया, समझ पाए? तो इसीलिए आपको उस सेवकों की मंडली के लिए तैयार होना। अब उसमें कौन आते हैं और किस किस सेवाओं में आना चाहते हैं, तो इसमें अगली कॉल मेरी ये भी है, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जब भारत से देख रहे हैं, जब भारत में से देखेंगे, तो जो पूरे भारत में से, आपको मैं सेवा के लिए इनवाइट करता हूं कि आप इस सेवकाई में फुल टाइम इस सेवकाई में जुड़ने के लिए आए। जितने स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, आप सेवा में आना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, आज आप इस सेवकाई के साथ जुड़ के प्रभु की बहुत सेवा कर सकते हैं। तो आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ सकते हैं, संडे वेडनेसडे मिनिस्ट्री में आ सकते हैं,
आप उसमें अगर नहीं आ सकते प्रार्थना योद्धाओं में आ सकते हैं, आप किसी भी हिस्से के द्वारा बोलने के द्वारा जुड़ सकते हैं, आप अपने किसी भी कार्य के द्वारा जुड़ सकते हैं, आप अगर पास्टर हैं तो आप मेंटरशिप फॉर्म भर के उसके द्वारा जुड़ सकते हैं, जिसमें आप इस सेवकाई में रह के काम नहीं, आप अपनी सेवकाई में काम कर रहे होंगे। अब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, ये तीसरी कॉल होगी। और सेकंड आपको इसमें आना, अब कौन कौन सी सेवाएं होती है, सेवकों की मंडली में कौन कौन लोग शामिल हैं, संडे वाले भी लोग इसे देख रहे होंगे। तो सबसे पहले जो चर्च में फुल टाइम, मतलब फुल टाइम नहीं कह सकते हो, जा कह सकते हो, रोज आके सेवा करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई फ्री सेवा करता है, मान लो जो रोज आके चर्च में सेवा करते हैं, तो वो सेवकों की मंडली के सबसे पहले हिस्सेदार हुए। जैसे कभी कुछ ऐसी मीटिंग्स हो, कोई स्पेशल हमारी मीटिंग्स हो, कुछ स्पेशल पार्ट हो, तो मैं कहूँगा जो फुल टाइम वाले लोग हैं उनके लिए मेरी ब्लेसिंग्स मेरी ओर से कुछ अलग होती, क्योंकि वो फुल टाइम सेवा करते हैं। उनके लिए कुछ पार्ट क्या फुल टाइम से इस सेवा में है, आप सातों दिन चर्च में आते हैं और सेवा करते हैं, काम करते हैं, इसलिए आपके लिए ये स्पेशल डे, वो उन लोगों के लिए स्पेशल मीटिंग्स होती बीच बीच। तो पूरी सेवकों की मंडली क्या है, उसके बीच जो फुल टाइम आप लगातार की सेवा में आना चाहते हैं पूरे भारत भर में, जो लगातार सुन रहे हैं पर उन्हें उनकी लाइफ में वो बढ़ नहीं पाते, क्यों, क्योंकि उनके पास कोई सेवा नहीं। आप ही वैसे ऑनलाइन जो लगातार आप जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं सेवकाई को, आपको अपने कदमों को बढ़ाना है, खुदा ने आपको सेवा के लिए चुना है, खुदा ने आपको फुल टाइम इस सेवकाई के साथ जुड़ने के लिए चुना है, इस चर्च में आके सेवा करने के लिए चुना है, रह के यहाँ पर सालों अपनी लाइफ को समर्पित करने के लिए कई लोगों को चुना है, तो आपको पता हो आगे हमें करना क्या है, क्योंकि सीखते ही ना रहो बाइबल में लिखा है, केवल सीखते ना रहो उस सीखे हुए के अनुसार फल लेके आओ बाइबल में लिखा है। तो कई लोग कहते रहते वो प्रेयरें अटेंड करते रहते हैं ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन प्रेयरें अटेंड करता हूं ऑनलाइन, फिर भी मैं चंगा क्यों नहीं होता, मैं लगातार ऑनलाइन प्रेयरें अटेंड करता हूं, रिसीव करता हूं, लगातार मैं वचन को सुनता हूं, मैं फिर भी चंगा क्यों नहीं होता, क्योंकि तूने केवल प्रार्थनाएं सुनी है, केवल टीचिंग सुनी है, हाँ मुझे ये ज्ञान आ गया, पर उसके अनुसार काम नहीं किया होता, इसलिए उसके अनुसार कार्य करना आपका लक्ष्य होता है। तो आज जो आप सीख रहे, तो फुल टाइम जो सेवा होती है आप उसमें कॉल सेंटर में आ सकते हैं, जिसे लगातार शिक्षाएं पाने के द्वारा चर्च में आपको टीचिंग की जाएगी, आने वाले समय डिसाइपलशिप मीटिंग्स होगी छुट्टियों में, जून में शायद जो होती हैं, बच्चों को छुट्टियां होती जून जुलाई में, तो वहां पर डिसाइपलशिप मीटिंग होंगी, अप्रैल के बाद कुछ मीटिंग्स हो सकती हैं, तो आप उस आने वाले समय की मीटिंग्स के लिए मैं आपको अभी तैयार कर रहा हूं, ताकि आपको पता कर लीजिए मेरे लिए प्रभु मुझे इसमें आने के लिए बोल रहा है। तो आपको उस मीटिंगों में आप फुल टाइम कॉल सेंटर में, कुछ होते हैं स्पिरिचुअल लीडर्स, कुछ होते हैं चर्च में अदर वर्क अदर सेवाओं में काम करने वाले, आप कॉल सेंटर में सेवा कर सकते हैं। आप उसके बाद अगली टीम आती है हाउस प्रेयर टीम, जो घरों घरों में जाके प्रार्थनाएं करती है, हो सकते हैं आप अगर स्पिरिचुअल काम के लिए चुने गए हैं, जब आप सेवकों की मंडली में आते हैं तो आप आने वाले समय में उसमें शामिल हो सकते हैं, पर उसके पीछे की लंबी तैयारी होती, आप उसमें प्रभु ने आपको चुना हो सकता है, आपके इस चर्च के आने वाले समय में पास्टर होने के लिए चुना हो सकता है, जो अगर सीनियर पास्टर में है तो अलग अलग पास्टर जो घरों घरों में जाके प्रार्थना सभाएं करेंगे, किसी की मैरिज पढ़ना, या कोई और अलग अलग जगहों में जाके लोगों की मीटिंग्स करना अलग अलग एरियो में, तो आपको उस कॉलिंग के नीचे अपने आप को तैयार करना है। स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, अगले स्पिरिचुअल लीडर जो प्रार्थना योद्धा होते हैं चर्च के, जो चर्च में इकट्ठे होकर प्रार्थना करते, चर्च में आके प्रार्थना करते हैं, जब घरों में अपने प्रार्थना में उन्होंने नाम लिखाया हुआ है रोज आधा घंटा एक घंटे का, और महीने बाद चर्च में आके इकट्ठे होते हैं। तो इसी रीति से अलग अलग स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, उसके बाद और स्पिरिचुअल लीडर जो इवेंजलिस्ट होते हैं, जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, जाकर निकल के जब जब भी सुसमाचार प्रार्थना सभा होती है वो उसमें चर्च के सेवादार है। तो याद रखो जब सेवकों की मंडली बोले, अगर आपने सुसमाचार में नाम लिखाया है, आपने चर्च के नाम लिखाया कि जब जब सुसमाचार हो हम जाते हैं, आप अपनी रिपोर्ट भेजते हैं रेगुलर, एक बार काम करना नहीं, रेगुलर, तो आप सेवकों की मंडली के हिस्सा हो चर्च में। अगर रेगुलर प्रार्थना योद्धा झुंड के हिस्सा हो तो आप सेवकों की मंडली के हिस्सा हो, ऐसा नहीं कि आपने एक दो दिन किया। प्रार्थना योद्धाओं की हमेशा अटेंडेंस लगती है कि कौन एक साल तक छह महीने तक लगातार चलता है, तो वो ही जो उसमें पास होगा, हाँ एक दो तीन मिस हो गए कोई नहीं, पर अगर वो रेगुलर उसके मिस हुए तो वो सेवकों की मंडली का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो समर्पित नहीं है पूरी रीति से। सुसमाचार का कार्य कर रहे हैं तो आप सेवकों की मंडली का हिस्सा हो। तो कुछ और बड़े के ये हो गए स्पिरिचुअल वर्क जो आप करते हैं, लोगों को काउंसलिंग देना, चर्च आए हुए लोगों को काउंसलिंग देना, घरों में जाके प्रार्थना करना, कॉल सेंटर में आना, पावरफुल प्रेयर में आने वाले समय तक आने वाले समय में तैयार होना उसमें आने के लिए,
जैसे चर्च में पावरफुल प्रेयर शुरू किया, अनॉइंटेड प्रार्थना योद्धाओं के साथ जिनको अगुवाई किया गया, सिखाया गया, जो बच्चे अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं उन्हें सिखाया जाएगा, वो कुछ समय तक सीखेंगे, इन आने वाली मीटिंग्स में सीखेंगे, स्पिरिचुअल लीडर्स में आएंगे और वो उन सेवाओं में भी ऐड हो सकते हैं आने वाले समयों में, सालों में। हालेलुया। तो कुछ अदर वर्क होते हैं, आप कहते हैं मैं सेवा कर रहा हूं, आप चर्च में आके टेंट का काम कर रहे हैं, आप चर्च में सफाई का काम कर रहे हैं, 40 बाथरूम है चर्च के, एक मिनट में एक मीटिंग में पूरे दूसरे हो जाते हैं, पर इसको सफाई करने में कितना टाइम लगता है बाद में। क्या कोई व्यक्ति हफ्ते में एक भी नहीं आ सकता, हफ्ते में एक दिन भी आके एक चर्च में सफाई नहीं कर सकता? अगर कोई कहता मुझे प्रेयर नहीं करनी आती, मैं तो प्रार्थना योद्धा नहीं बन सकता, मुझसे नहीं सुसमाचार सुनाया जाता, अगर स्पिरिचुअल वर्क के लीडर्स नहीं है तो आपके पास शरीर है, याद रखो आपके पास शरीर है, आप अपने शरीर को सेवा के लिए लगा सकते हैं। चर्च में बहुत सारे प्रकार की सेवकाइयां ऐसे हैं, जैसे कैमरा चलाना, आपको कैमरा चलाना, LEDs लगाना, साउंड लगाना, साउंड का सारा सिस्टम तैयार करना, ये वाइट पुलपट रेडी करना, डेकोरेशन लगाना, और कितने भी पिक्चर खींचना, कैमरा चलाना, टेंट लगाना, दरियां बिछाना, और इन चीज़ों को धोना, टेंट को धोना, दरियों को धोना, बाथरूम में उन्हें साफ करना, चर्च में सारा मीटिंग खत्म हुए कलर पूरी ग्राउंड को साफ करना मीटिंग के बाद। ऐसी और भी बहुत सारी सेवकाएं, चर्च में खाना बनाना, लोगों को खाना खिलाना, जितनी लगातार जहां पर टीम काम करती है, तो ऐसी सेवकाएं जो शारीरिक रूप में आप कर सकते हैं, अगर आप आत्मिक नहीं, अगर आप ऐसी सेवकाई के लिए चर्च में नाम लिखा सकते हैं, आप चर्च में एक दिन आ सकते हैं, दो दिन आ सकते हैं, और लगातार एक साल के लिए, ऐसा नहीं कि एक दो दिन के लिए, आप उसमें सेवकाई में मंडली में आने के लिए आप वो सेवा लेना चाहते हैं तो आप उसे ले सकते हैं, आप उसे ले सकते हैं, तो आप क्या है, सेवकों की मंडली का हिस्सा है। अगर आपके पास ऐसे कोई भी काम, आप स्पिरिचुअल वर्क और अदर चर्च के वर्क और बाकी वर्क, और जब आप ड्यूटी में आते हैं आपको पता चलता है और बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हैं सेवकाई में रहते हुए, हालेलुया। तो आपको पीछे नहीं हटना, अपने बच्चे को पीछे नहीं हटाना। न्यूजीलैंड मैंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, मैंने कहा आप जो जितने भी आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे स्पिरिचुअल कामों में चर्च में होने चाहिए, सेवा में होने चाहिए, ये अभी से कोई ड्रम सीखे, कोई गिटार सीखे, कोई कोई इंस्ट्रूमेंट सीखे, क्योंकि जब ये स्पिरिचुअल वर्क में आप अभी इन्हें चर्च की सेवाओं में डालेंगे तो कल ये मेरी तरह, जब ये चर्च में इनको पता है मुझे ड्रम बजाना है, गिटार बजाना है, तो इनको पता मुझे पाप में नहीं गिरना, मुझे चर्च में पुलपट में ये सेवा करनी है, मुझे चर्च में ये ड्यूटी करनी है, तो आपके फॉरन में जो बच्चे हैं आपके हाथ से बाहर नहीं होंगे, खुदा के भी हाथ में रहेंगे और आपके भी हाथ में रहेंगे। हालेलुया। फिर बाद में कई लोग पछताते हैं जब वो डीले होते हैं, सेवाओं में नहीं आते, आत्मिक क्रियाओं में नहीं आते। कई लोगों ने इसलिए अपनी लाइफ में इधर उधर नहीं जाना चाहा, उन्होंने देखा जब जब हम संसार में रहते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, हम पाप में गिरते हैं, इसलिए उन्होंने सेवा को चॉइस किया, और जब सेवा में आए वो पवित्रता में खड़े हुए। हालेलुया। पर लोगों को अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, वो कोई स्टेप नहीं लेते, उनको पता है अगर मेरी लाइफ ऐसी है तो मुझे क्यों ना मुझे प्रभु को देनी चाहिए, अगर मैं बार बार संसार में गिरता हूं तो क्या ना मैं क्यों ना मैं अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दूं, उसकी महिमा के लिए दे दूं। तो ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स के काम, आपके पास कोई भी डिपार्टमेंट, आप टेस्टमनी डिपार्टमेंट में, आप कॉल सेंटर डिपार्टमेंट में, आप पेपर वर्क में, आप टेस्टमनी लिखते हो, आप गवाहियां लिखते हो, आप लोगों के प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते हो, नए लोगों का फॉर्म भरते हो, आप कोई भी सेवा करते हो, कैमरा चलाते हो, वीडियो कैमरा चलाते हो, कुछ भी काम करते हो, LED लगाते हो, साउंड लगाते हो, कोई भी आपके पास सेवाएं, और एक तो फुल टाइम सेवकाइयां, इसलिए कलीसियाओं को सेवाओं में लगाना बहुत जरूरी है, ताकि आप जब भरे जाए पवित्र आत्मा के साथ आप अपने गिफ्ट को यूज करें। जब आप प्रेयर में बढ़े, आपके पास बोने का गिफ्ट है, आप बोने को गिफ्ट को यूज करें। आप प्रेयर में बढ़े, आप सुसमाचार के गिफ्ट को यूज करें। आप प्रेयर में बढ़े, रोजों में जाएं, आत्मा आपको सेवा में एक चर्च में बुलाए। आप प्रेयर में बढ़े, रोजों में जाएं, आप प्रार्थना योद्धा का काम करें उस दिन में। जब जब आप भरे तो आप उस सेवा मां का काम करें, उस सेवकाई के हिस्से में जुड़े हो, तो कलीसिया उन्नति करती, वो व्यक्ति भी उन्नति करता है। अगर मैं आज तक मसीह में आया, प्रार्थना बीतती रोजे ही रखता जाता, तो आज तक मैं यहां ना पहुंचता। मैंने उसके साथ साथ शुरू से सेवा को करता रहा और सेवा को बढ़ाता गया, प्रभु मुझे सेवा के काम में बिजी करता गया। आज मुझे चॉइस करनी पड़ती है कि किस सेवा के काम में मैं हाथ लगाऊं, कहां जाऊं, कहां मीटिंग करूं, कहां ना करूं, किधर ध्यान दूं। हालेलुया। इतनी सेवा परमेश्वर ने दी है और अभी भी कहते हैं प्रभु और दे, और उन उत्तम कार्यों को दे जो तू चाहता है। हालेलुया। तो आप सेवकाई की मंडली का हिस्सा हैं। अगर आपके पास कोई भी सेवा ली हुई है, अपने नाम लिखा के आप रेगुलर उसमें चल रहे हैं, तो आप सेवकों की मंडली का हिस्सा है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जब मैं सेवकों की मंडली करें, आप कहें
हमें इसमें क्यों नहीं बुलाया गया, ये कौन सी प्रार्थना सभा होती है, ताँ जो आपके पास सवाल ना हो, मन में खिचकटाहट ना हो, दिमाग में इधर उधर की बातें ना हो, आपको पता चले ये सेवकों की मंडली की प्रार्थना सभाएं हैं। जब पास्टर और लीडर कॉन्फ्रेंस हो तो आपको पता चले अगर मेरी बुलाहट पास्टर और एक स्पिरिचुअल लीडर की है तो मुझे इस मीटिंग में आके सीखना है। मुझे पता था मेरी बुलाहट है कि मुझे ऐसे उपयोग होने, तो मैं वैसी संगति में हमेशा रहता था जिससे मेरी बुलाहट के लिए मुझे पोर्शन, मुझे खुराक मिल सके। ऐसे जू जो अंदर से हिलते रहते, प्रभु मुझे उपयोग करेगा। क्या आप किसी सेवक में आके सीख रहे हो? मैंने 3-3 साल 5-5 साल पास्टरों के साथ रह के सीखा कि कैसे पास्टर घरों में प्रार्थना करते हैं, घरों में जाएं तो कैसे पहले प्रेयर करनी है, फिर ऐसा करना है, कैसे ये वचन देते हैं। और आसान नहीं होता कि हर एक व्यक्ति प्रीच कर पाए। आज हम कैसे भी प्रीच शुरू कर सकते हैं, पर एक नए व्यक्ति को पूछो, किसी भी प्रचारक को, जो आज के जूत जो प्रीच करने में खड़े हुए, आसान नहीं होता प्रीच करना। एक दो बार जोश में एक टेस्ट देना आसान है, पर रेगुलर प्रीच करते रहना ये आसान नहीं होता। ये ग्रेस आपको तब मिलती जब आप रेगुलर, किसी ने पूछा कि मैं जी प्रार्थना करता हूँ, जब प्रीच करता हूँ जब लोगों के सामने, तो मैं ज्यादा नहीं कर पाता, मुझे डर सा लगता है, मैं ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता हूँ, मुझसे बेस्ट नहीं होता, पर्सनल में बहुत अच्छा कर लेता हूँ। लोगों के बीच में तुम ज्यादा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लोगों के बीच में तेरी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है। जैसे तुम लोगों के बीच में अपने आप को अधिक से अधिक यूज होंगे सेवकाई में आके, वैसे तेरा गिफ्ट बढ़ता है और तुम बढ़ाए जाते हो। हालेलुया। मैंने कहा ये बुद्धिमान उन लोगों के लिए ये बातें हैं जो आत्मा में कुछ करना चाहते हैं। तो जैसे अब यूज होने में आते हैं, जो नए मेंटरशिप में आते, सेवा में आते, उन्हें एक चीज बोलिए, अपने आप को यूज करो ज्यादा। जितना यूज करोगे अनॉइंटिंग बढ़ेगी। मीटिंग अरेंज करो, प्लानिंग्स करो, कभी किसी घर में मीटिंग, कभी उस घर में मीटिंग करो, बेले ना रहो, हफ्ते में एक ही मीटिंग ना करो। जितना बिजी करोगे रोज तुझे आत्मा कुछ नया सिखाता जाएगा, और फिर तेरी सेवकाई में एक स्पीड होगी, एक ग्रोथ होगी, क्योंकि तुम ज्यादा काम कर रहे हो। अगर तुम हफ्ते में एक एक मीटिंग करोगे कितना यूज होगे, तेरा एक्सपीरियंस कितना बढ़ेगा। पर अगर तुम रोज इकट्ठे होकर प्रार्थनाएं कर रहे हो, दिन को जाके इधर घर की मीटिंग, उधर घर मीटिंग, अगले दिन चर्च में एक मीटिंग, अगले दिन प्रार्थना, होता तुम यूज हो रहे, मुंह को खोल रहे हो, और तेरा गिफ्ट बढ़ रहा है, तेरे ऊपर आत्मा अधिक से अधिक उतर रहा है, तुझे नई नई बातें सिखाता है। हालेलुया। तो ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स तैयार होते हैं संगति में रहने के द्वारा। हालेलुया। तो आपको आप और आपके बच्चे, मैं आपको बताता हूं, अगर आप चाहते हैं खुदा की दया के नीचे आपका घराना रहे, तो आप सेवकों की मंडली के हिस्सा होने चाहिए। आप कहते हैं ओके मैं स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर सकता, ओके मैं संडे वेडनेसडे ड्यूटी नहीं ले सकता, आप बोने की सेवा कर सकते हैं। आपके घर में कोई तो होगा जो सबसे ज्यादा कमाई करता है, जो सबसे कमाता है, जो उससे फाइनेंशियल ब्लेस हुआ है, तो आप बोने की सेवकाई के द्वारा सेवा के कार्य को बढ़ा सकते हैं। अगर आप हर महीने 5,000 से, एक दिन मैंने अनाउंस किया था, अगर आप चर्च के पार्टनर हैं, चर्च के पिलर्स हैं, बोने वाले लोग हैं, गिफ्ट हैं, वरदानों में ऐसे हैं, तो आप भी सेवकों की मंडली का हिस्सा हो। चर्च के पार्टनर सेवकों की मंडलों की हिस्सा है, याद रखो। तो कौन कौन हिस्सा है? अगर आप रेगुलर तो उसमें बोते हैं, अगर आपने एक होता है दशवांश, आप एक अपना 10,000 कमाते हैं, 1,000 बोते हैं, तो अगर आप दशवांश के अलावा अपने बाकी पूरी इनकम से परिवारक, आप अपने 5,000 के सीड को हर महीने बो रहे हैं, इसका मतलब आप स्पेशल अपने बीजों को बो रहे हैं। और जरूरी ने इन हर लोगों को ये बोना है जिनको बोने का गिफ्ट मिला है, जिनको उनको पता है मुझे ये, मेरे पास ये गिफ्ट है, मुझे चर्च में बोने वाले पिलर बनना है, मुझे चर्च में स्ट्रांग बोने वाले पिलर बनना है, मुझे स्ट्रांग बोने वाला बनना है, मुझे ये सेवा लेनी है। मैं काम में बिजी हूं, मुझे प्रभु ने बिजनेस माइंड दिया है, बिजनेस में तरक्की करना, बिजनेस में ऊंचा जाना, मुझे बुद्धि ज्ञान की बातें दी है कि मैं बिजनेस में अच्छा कमाऊं, तो मैं उसमें बिजी रहता हूं, मैं लगातार चर्च में आके ड्यूटीज नहीं ले सकता, मैं सुबह जल्दी आके दरिया नहीं बिछा सकता, मीटिंग जल्दी के बाद मुझे निकलना पड़ता है क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। तो क्या है आपके पास? बोने का गिफ्ट है। आप अपने बोने के द्वारा कि हर महीने मेरा हर महीने ये सीड होगा चर्च में 5,000 के अधिक, 10,000, 15,000, जितना भी आप हो सके, ये मेरा स्पेशल सीड मैं बोऊंगा। आप फैसला ले अपनी लाइफ में हर महीने, ये नहीं कि एक दिन आपने स्पेशल सीड बो दिया 15,000 का, 10,000 का, लाइफ में वो आपने एक बार बोया, पर एक होता है जो आप लगातार आप कहते हैं कि मैं इस सेवकाय में बनने में बोने का हिस्सा का पार्ट मैं संभालता हूं, आप उस सेवकों की मंडली का हिस्सा है। अगली टीम होती क्रूसल करवाने वाली, जो अपने अपने क्षेत्र में प्रार्थना सभाएं कराते हैं। वो गिफ्ट होता है मीटिंग्स करवाने का, हर एक पास्टर मीटिंग नहीं करवा सकता, ये गिफ्ट होता है, ग्रेस होती प्रभु की, हर एक पास्टर बड़ा क्रूसल नहीं करवा सकता। जैसे हम जाते हैं प्रार्थना सभाओं में,
तो वो ग्रेस होती है एक व्यक्ति के ऊपर करवाने की। ऐसे कई सोते हो तूने दो बार करवा लिया, तीन बार करवा लिया, कैसे? हमसे तो एक बार हिम्मत नहीं होती करवाने की, इतना बड़ा क्रूसर। क्या उन पर अनुग्रह होता है ऐसा? ऐसी अपने अपने नगर में प्रार्थना कि जब जब भी मेरे नगर में प्रार्थना सभा हो, मैं बोने का पिल्लर बनूंगा, मैं हमेशा अपने सीट कर रहूंगा। मेरे नगर में बार बार मीटिंग हो, मेरा ये स्पेशल सीट हर उस मीटिंग में आगे रहेगा, बाकी लोग इसमें ऐड होते जाए, तो वो क्या है? बोने का पिल्लर, वो एक सीट बोने वाला लोग, वो सेवकों की मंडली का हिस्सा है। समझ पा रहे? ऐसे आप उठ सकते तो आपकी चर्च की सेवकों की मंडली का हिस्सा बनना, आपके अंदर कोई ना कोई सेवा हो। और ऐसे जितने पास्टर आ रहे हैं, आपकी चर्च की सेवकों की मंडली अलग होनी चाहिए, उनके बीच में साल में दो तीन प्रार्थना सभाएं करो। और ये लोग, इन्हीं लोग जब आप नए होते जाएंगे और खुदा का अद्भुत कार्य बढ़ता है जब ये लोग आत्मा में खड़े होते हैं, क्योंकि ये गिफ्टेड लोग होते हैं जिन्होंने सेवा ली। सेवकों के लिए बहुत सी आशीषें प्रभु ने बोली हुई है, हालेलुया। तो इसका और डीप बात है, पर मैं इसे आज तक इतना ही आपको दे सकूंगा समय के अनुसार। तो आपको सेवकों की मंडली में, आपके बच्चे हो, आपके बच्चे इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, आपके बच्चे सिंगिंग सीख रहे हो, म्यूजिक स्कूल होता है, फेथ म्यूजिक एकेडमी अभी भी चल रही है, हर फ्राइडे क्लास लगती, बच्चे स्कूल सीखते हैं, बच्चे सिंगिंग सीखते हैं, सारी क्वायर जो गाती ये सीखती हैं। इनमें से कोई अच्छा गाने वाला नहीं था, पर टीच सीख सीख के ये अच्छी क्वायर बन गई। समझ पा रहे? क्या क्लास लगा लगा के सिंगिंग की, इंस्ट्रूमेंट की, गाने की, बजाने की, हालेलुया। तो आपके बच्चे ढूंढो कहां मुझे प्लेस मिल सकती है कि मैं सेवकों की मंडली का हिस्सा बन जाऊं। याद रखो, मैं भविष्यवाणी करता हूं, सेवकों की मंडली की आशीषें कलीसिया से डिफरेंट होगी और जबरदस्त होंगी। यीशु नासरी के नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। खुदावन, ये भविष्यवाणी इनकी जिंदगियों में पूरी हो, सब सेवकों के जीवन में पूरी हो, यीशु के नाम में मैंने ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। जितने भी सेवकों की मंडली में कोई ना कोई सेवा ली खुदावन, ये बड़ी गवाहियों के साथ वापस आए खुदावन। जितनी भी सेवकों की मंडली यहां मौजूद है, ऑनलाइन देख रहे खुदावन, खुदावन तेरा आत्मा जिन्होंने सेवका के साथ जुड़ के कंधे से कंधा मिला के सेवका के बढ़ने का, खुदावन इस सेवका का पूरे देशों के लिए प्रार्थना करने का हिस्सा बन रहे हैं, खुदावन तेरा आत्मा अद्भुत से लोगों को ब्लेस करे। तेरा दास मांगता है खुदावन, और मैं अनॉइंटिंग उनकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं यीशु के नाम। बोले आमेन, आमेन, आमेन। समझ पा रहे हैं? जब आप उस सेवकाई में चलते हैं तो परमेश्वर फिर आपको ब्लेस करता है, और उसके साथ आपके अंदर जब आप सेवकाई का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर आपको अनॉइंटिंग देता है। अनॉइंटिंग सिर्फ एक दो पॉइंट में आपको बताता हूं, तो वो कैसे आपके अनॉइंटिंग आग लेके जा रहे हैं? क्या आप सेवकों की मंडली में हैं? परमेश्वर आपको सेवकों की मंडली, मतलब आपके पास सेवा है कोई, और उस सेवा आपकी बुलाहट है, वो उस सेवा आपकी बुलाहट के लिए तैयारी है जिस बुलाहट में आपको जाना है। इसलिए सेवा, जो सेवा का कदम लेता है, अगर कोई कहता है मेरी बुलाहट क्या है और अब तक एक भी सेवा में नहीं है, चर्च की ड्यूटी उसने कोई नहीं ली, कोई काम खास रेगुलर रूप में नहीं कर रहा है, रेगुलर रूप में मैं कह रहा हूं, कभी कभार नहीं, तो वो भूल आज से ये प्रेर ना करे मेरी बुलाहट क्या है। क्योंकि जब आप अपना एक कदम लेते हैं सेवा की मंडली में, धीरे धीरे फिर आप सेवा काम कर रहे हैं, धीरे धीरे फिर उस सेवा में चलते चलते आप अपनी बुलाहट की ओर, जहां प्रभु ने आपको फिट करना है, आप फिट हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि लिखा जो खरे हैं, प्रेरितों के काम में लिखा है, जो खरे हैं वो प्रगट हो जाएंगे। जैसे आप एक मंडली में शामिल होते हैं, फिर आपके गुण प्रगट होते हैं उस मंडली में, सेवकों की मंडली में, तो जो खरे होते हैं वो प्रगट हो जाते हैं, वो आगे के कामों के लिए नियुक्त किए जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं, चुन लिए जाते हैं। जैसे 12 चेले चुने गए, 120 पर आत्मा उतरा, 70 चुने गए, हालेलुया। फिर आप अपनी बुलाहट के लिए प्रभु की उस निगाह के नीचे आते हैं जिसमें आप तैयार होना शुरू करते हैं। दाऊद अकेला बैठा बैठा नहीं, रोज बेला बैठा कहता है मेरी बुलाहट क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, तूने अभिषेक तो किया, किस बात के लिए किया है? वो भेड़ बकरियां चराता था, परमेश्वर ने उसे चुन लिया। तो इसीलिए आपको, आप क्या काम करते हो, किस सेवा में आप हो, हालेलुया। पौलुस सेवकाई के साथ साथ काम भी करता था, अपना पर्सनल इंतजाम भी करता था, देखो कितना काम, और परमेश्वर ने उसे कितना उपयोग किया, क्योंकि वो बिजी करता था, अपने आप को पूरा देता था कि कितना अधिक मैं दे सकता हूं, दूसरों पर मैं बार ना बनूं, कितना अधिक मैं सेवा के लिए दे सकता हूं, कितना अपने में से मैं खुदा के लिए बो सकता हूं, वो मेहनत करता था, हालेलुया। इसलिए हमेशा आप देखेंगे ग्रेट लोगों को, हमेशा वो मेहनत करने वाले, सेवा करने वाले लोग ही होंगे, हालेलुया।